हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बनाने वाला एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ब्लूटूथ स्पीकर। इसे जो है पार्टी वगैरह में यूज़ कर सकते हो। इसका जो साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो इसे बनाना का प्रोसेस काफ़ी इजी है और ये जो है बहुत कम खर्चे में बन जाता है। तो चलिए मैं आपको इसकी अब टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। तो आप जो है वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, आपको पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे इसे यूज़ करते हैं और कैसे इसे बनाया है। तो ये जो है मात्र 300 रुपये के अंदर आपका रेडी हो जाता है और इसके अंदर काफ़ी अलग अलग फंक्शंस भी हैं। तो चलिए इसे टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर गाइस, इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक ब्लूटूथ MP3 मॉड्यूल यूज़ कर रहा हूँ। इसका जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, इसीलिए। तो यहाँ पर जो है मैंने इसके सब पहले ही कनेक्शंस कर दी। यहाँ पर मैंने एक PAM 8610 एम्पलीफायर मॉड्यूल यूज़ किया है। इसमें जो है 15 वाट के स्पीकर आराम से लग जाते, इसीलिए मैंने ये मॉड्यूल यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रांजिस्टर लगाया, उसका जो है मुझे नंबर तो पता नहीं, पर मैं आपको जल्दी पता कर कमेंट में ज़रूर दे दूँगा और डायग्राम भी मैं कम्युनिटी पोस्ट में दे दूंगा। तो यहाँ पर सारे कनेक्शंस मैंने कर दिए, देख सकते हो आप। तो यहाँ पर मैंने PVC शीट का पीस ले लिया है। कुछ इस तरीके से मैं साइड में होल्स करके इस मॉड्यूल को फिट करने वाला हूँ स्क्रू की मदद से। तो यहाँ पर इस अंदर नट डाल देते हैं। तो गाइस, इसके कनेक्शंस में मुझे काफ़ी टाइम लगे, इसीलिए मैंने कनेक्शंस पहले ही करके रखे थे, वरना मैं आपको कनेक्शंस करके दिखा देता। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें फेविक्विक की मदद से ये चिपका देना है। तो यहाँ पर गाइस, मैं एक 15 वाट का एक स्पीकर यूज़ कर रहा हूँ, 8 OHM का। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। आप जो है ओवल शेप वाला भी यूज़ कर सकते हो या फिर कौन से भी शेप का यूज़ कर सकते हो। तो हमारे पास इतने टूल्स तो नहीं है कि ये शेप के साइज़ का सर्कल कट करने के लिए, तो इसलिए हम इधर उस सर्कल के अंदर छोटे छोटे होल्स करने वाले ताकि आवाज़ बाहर तक आ सके। तो ड्रिल मशीन की मदद से हम काफ़ी सारे होल कर देंगे और होल से जो है गाइस बास भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। तो देख सकते हो काफ़ी सारे होल कर देना है। मैंने जो है करीब 12 होल्स कर दिए हैं। और आप जो है, आपके पास अगर डब्बा हो, खाली डब्बा, उसमें भी आप उसे बना सकते हो। PVC शीट आपके पास अगर नहीं हो तो, या फिर आप कार्डबोर्ड का भी बना सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो बराबर मार्किंग आ चुकी है। अब इसे जो है मैं फेविबॉन्ड की मदद से चिपका दे रहा हूँ। और गाइज, आज हम जो इसे कलर भी करने वाले हैं। मेरे पास जो एक कलर है ग्रीन कलर का, एशियन पेंट्स का, वो हम कलर से करने वाले हैं। आप जो है ब्लू और रेड कलर ज़रूर से करना, वो दिखने में काफ़ी अच्छा लग जाता है। तो अब इसे जो है आधे घंटे तक मैं सुखाने के लिए रख देता हूँ। इसे कुछ इस तरीके से टैप कर दीजिए ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। तो इसे अब सूखने के लिए रख देते, तब तक हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी कुछ चिपका दिया है, देख सकते हो ट्रांजिस्टर और वो। और यहाँ पर जो मैंने 5 वाट का एक स्पीकर ले लिया, देख सकते हो ओवल शेप का। तो ये दोनों जो अलग अलग है आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो है हम इसकी टेस्टिंग करने वाले। तो यहाँ पर मैंने एक मोबाइल ले लिया है। तो यहाँ पर जो है मैंने एक 12 वोल्ट अडाप्टर यूज़ किया है। तो अब इसे हम जो है पावर दे देंगे। तो देख सकते हो यहाँ पर जो है हाई लिख के आ रहा है और इसमें जो है ब्लूटूथ का साउंड बज रहा है। तो चलिए अब इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो इसका जो नेम है IPLO8 है, देख सकते हो।
तो अब इसे कनेक्ट कर देते हैं। इसे कनेक्ट करने में 3-4 सेकंड बस लग जाते हैं, ये आराम से कनेक्ट हो जाता है। देख सकते हो कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए आपको मैं एक NCS का सॉन्ग बजा के दिखा देता हूँ। चलिए तो यहाँ पर गए, आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी और स्पीकर कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।